हेलो बच्चों, वेलकम टू फाडू फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले डिस्कस आपका चैप्टर 3 और टॉपिक नंबर है 3.12। टॉपिक नंबर है 3.12 और टॉपिक का नाम है बच्चों सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए चलिए, कैसे सवाल इस टॉपिक से आने वाले हैं और कैसे हम उसको सॉल्व करना है, आज पूरा उसका हम डिस्कशन करने वाले हैं ना। तो पूरा हमारा जो है आज का लेक्चर बच्चों डेरिवेशन है, कैसे कौन सा स्टेप कहाँ से क्या आ रहा है, और पूरा आज हमारा इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो देखो बच्चों, हमारा जो सेल्स एंड सीरीज, वैसे हमने देखा है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, उसमें देखा था सीरीज, दो देखे थे हमने, दो सीरीज एंड पैरेलल है ना। तो वैसा ही चीज़ यहाँ पे हमें पढ़ना है सेल के बारे में। तो देखो यहाँ पे, तो पहला मैं यहाँ पे लगा रहता हूँ टाइटल सेल इन सीरीज कनेक्शन। सेल इन सीरीज कनेक्शन, ये हो गया आपका टाइटल। तो बच्चा लोग यहाँ पे देखो, मान लो अगर कोई बैटरी यहाँ पे है हमारी, है ना, इसका मान लो ईएमएफ ई है, ईवन मान लो इसका रेजिस्टेंस आर वन, ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी एंड ईएमएफ, है ना। तो देखो क्या पढ़ा था, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था टर्मिनल वोल्टेज ऑफ किसी भी बैटरी अगर हो रही है डिस्चार्ज, तो उसका टर्मिनल वोल्टेज लिखा जाता था वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, है ना। तो ये जो कमी महसूस हुई थी, ये कमी रियल में किसकी वजह से आई थी, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो रियल में बैटरी मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है, तो उसका जो ईएमएफ हमें मिलता है बाहर जो रियल में दिखने वाला ना डुप्लीकेट, वो हमारा क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज वो कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का कुछ होता है केमिकल की वजह से, है ना। तो ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, थोड़ा बहुत हमें याद होना चाहिए। तो चार्जिंग के केस का हो गया, अगर तो डिस्चार्जिंग के केस का हो गया, अगर मान लो ये चार्जिंग हो रहा है तो यहाँ पे क्या होता था, प्लस आई आर। ये मैंने स्पष्ट शब्दों में आपको, मैंने लास्ट वाली क्लास में, लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी, है ना। तो जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल पर, तो क्या करें, अगर समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या है टर्मिनल वोल्टेज, क्या होता है, क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी, तो वीडियो को जाके देख सकते हैं वहाँ पर, है ना। तो आइए हम बात करते हैं सीरीज कनेक्शन में। तो बच्चों देखो यहाँ पे, हमने ये प्रैक्टिकल लाइफ में हम कर चुके हैं, है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में हम कर चुके हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ रियल लाइफ में, कि मान लो ये अपनी बैटरी हो गई, सेल ऑफ बैटरी हो गया, है ना, इसको आपने क्या कनेक्ट करा हुआ है, मान लो ऐसे बल्ब से कनेक्ट, लैंप से कनेक्ट करा हुआ है। अब हुआ क्या कि लैंप जो है इसकी रोशनी बहुत कम है, इसकी रोशनी बहुत कम है, तो अपना दिमाग लगाया, अपने बचपन में से करा हुआ कि चलो यहाँ पे दो सेल जोड़ लेते हैं, है ना, या तीन सेल जोड़ लेते हैं। तो फिर क्या करा होगा, इसकी रोशनी जो ये बढ़ गई होगी, है ना, आपने देखा है, एक्सपीरियंस करा है, तब आपको फिजिक्स नहीं आती थी, लेकिन आपको ये चीज़ पता थी कि ऐसे होता है, अगर मैं दो बैटरी ज्वाइन करूँगा, तीन करूँगा, तो इसकी रोशनी जो बढ़ती है। या तो फिर आपने बचपन में एक छोटा सा फैन जो आता है आपने घुमाया होगा, है ना, ये फैन आपने घुमाया होगा, छोटी सी आती है मोटर, छोटी सी मोटर जो आती है कि दो बैटरी लगाओ, तीन बैटरी लगाओ, तो मोटर जो तेज़ी से घूमने लगती थी, तो तब हमें फिजिक्स नहीं आता था, लेकिन हम ये करते थे, है ना, समझ पा रहे हो चीज़ को। तो वैसा ही हम क्यों करते थे, हमें पता है कि अगर हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो हमें सेल को ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा, लाइन से, सिक्वेंस से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पर हम जानते नहीं थे, लेकिन हम अल्टीमेटली कर क्या रहे थे, फिजिक्स का ही एक रूल फॉलो हो रहा था वहाँ पर, कि अगर बैटरी को आप सीक्वेंस में कनेक्ट करोगे तो उसका जो ईएमएफ है सबके सम के बराबर होता है, टोटल ईएमएफ जो बल्ब को मिलता है, तो टोटल सबके ईएमएफ के बराबर मिलता है, सबका सम करोगे, मान लो अगर इसका ईएमएफ E1 है, इसका E2 है, तो बल्ब को जो टोटल ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा बल्ब के ऊपर दो एंड में, वो इन तीनों का सम हो जाएगा, मतलब टोटल जो ईएमएफ चेंज इन पोटेंशियल, टोटल जो वोल्टेज मिलना चाहिए बल्ब को, इन तीनों का सम के बराबर मिलेगा। बोलो समझ में आ रही चीज़, है ना। तो ऐसा ही है कि ये क्या है, ये जो चीज़ हमने बनाई यहाँ पे बचपन में, ये कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल है, या कौन सा सीरीज है कि पैरेलल है, वो तब हम नहीं जानते थे, लेकिन अब हम वो यहाँ पे क्या करेंगे, सीखेंगे। समझ पा रहे हो चीज़ को, क्लियर।
आइए देखते सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल। इसको करता हूँ पहले इरेज, अब देख लो कैसे क्या है यहाँ पे। तो बच्चा लोग यहाँ पे देख लो, मैं छोटा सा जो है ड्रॉ कर लेता हूँ अपना ये सेल। ये हो गया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गया दूसरा सेल, ये हो गया उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आर वन, ये आर टू और ये ई वन, ये ई टू। समझना इस चीज़ को ध्यान से, मैं फटाफट से ख़त्म कर दूंगा। आपको जो चीज़ मैं बोलूँ याद कर लो, वो सीधे आपको याद करनी है, ठीक है। लॉजिक मैं बताऊंगा एकदम अच्छे से कैसे क्यों आया, सारे आपको आंसर मिल जाएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना है, ठीक है, देखते जाओ फटाफट। मान लो बैटरी है जिसको हमने कनेक्ट करा है एक दूसरी बैटरी से, जिसका रेजिस्टेंस इंटरनल वाला आर टू है, जिसके लिए इसका है आर वन, इसका है आर टू। समझ में आया? अब इसके दो एंड पे यहाँ पे, मतलब मैं कोई भी अगर रेजिस्टेंस मान लो, आप कोई भी चीज़ मान लो, बल्ब है, फैन है, कोई भी कंडक्टर आप मान लो, इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँ तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। आर टोटल की बात करूँ, अगर मुझे निकालना है करंट सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है, मुझे करंट सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है और कितना नेट पोटेंशियल सर्किट का, ये दो चीज़ आपको याद करनी है। पहली चीज़ नेट ईएमएफ ऑफ सर्किट लिख लेना, अच्छे से लिख लेना जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, नेट ईएमएफ ऑफ सर्किट एंड करंट इन सर्किट, ये दो चीज़ आपको इस टॉपिक से सीखनी है, बता रहा हूँ अच्छे से, है ना। कैसे क्या अगर घूम सकता है सवाल, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे बच्चा लोग देखना, इसका जो छोटा वाला है वो कनेक्टेड है दूसरी वाली के बड़े वाले का, बड़ा वाला जो होता है बच्चों उसे बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। क्या बोलते हैं उसको? पॉजिटिव टर्मिनल। जो छोटा वाला उसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। वैसे ये पॉजिटिव और ये हो गया अपना नेगेटिव। तो यहाँ पे देखोगे नेगेटिव कनेक्टेड है पॉजिटिव के साथ, है ना, समझ में आ रही चीज़? नेगेटिव कनेक्ट है पॉजिटिव वाले के साथ, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, याद करना है आपको, समझ में आ रही चीज़? अब अगर मान लो नेगेटिव कनेक्ट है नेगेटिव के साथ तो क्या होगा, वो भी बताऊंगा मैं, ना तो जाने सुनते क्या होगा वन बाय वन। अब देखो बच्चा लोग यहाँ पर, पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि इसका ई एम एफ क्या होगा, टोटल ई एम एफ, ये जो हम कर चुके हैं अपने बचपन में कि जो वोल्टेज इसका मिलता है हमें ज़्यादा मिलता है, तो कब मिलता है जब इसका नेगेटिव जो है कनेक्टेड और दूसरी वाले पॉजिटिव के साथ। मतलब देख लो यहाँ पे अगर पॉजिटिव कनेक्टेड बच्चों नेगेटिव के साथ, इसे बोलते हैं हेल्पिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको? हेल्पिंग कंडीशन। डिफरेंट पोलारिटी कनेक्ट होनी चाहिए, डिफरेंट ये लिखा है मैंने पोलारिटी, है ना। तो इसका जो ई नेट होना चाहिए पूरे सर्किट का वो क्या होगा बच्चा लोग? ई वन प्लस ई टू। समझ आया? अगर इस सर्किट को मुझे लिखना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो इसका ई नेट ई वन प्लस ई टू आर वन आर टू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी सही है, गलत नहीं है। अब इन सर्किट को तोड़ के हमने कर दिया यहाँ पर ट्रांसफॉर्म, है ना, तो ये भी सही है और ये भी सही है, गलत कोई नहीं, गलत नहीं है, समझ रहे। इसका हमने क्या करा? सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई वर्जन है इसका, है ना। अब सवाल उठता है अगर मान लो ये नेगेटिव कनेक्ट करा इसके नेगेटिव के साथ तो क्या होगा। अब देखो मैं यहाँ पर थोड़ा इसको मैं कलर ऑफ इरेज, देखो ये मैंने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव नेगेटिव के साथ, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, समझ पा रहे चीज़ को। अब उन चीज़ को बोलते हैं, इसको कर देता हूँ थोड़ा इरेज, तो नीचे लिख लेता हूँ मैं इसको, तो इसी को ही कर लेता हूँ मैं इरेज और बढ़ लेता हूँ थोड़ा आगे, है ना, इसको कर लेता हूँ, तो लिख लेना, मैं नोट्स नहीं बनाई इसका, लिखते रहना इसका, लिखते रहना बच्चा लोग। देखो क्योंकि थियरी पार्ट इसमें आता नहीं है और मुझे लगता नहीं है कि थियरी में इसमें मुझे कोई नोट देने की ज़रूरत है, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कैसे क्या है, वो पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँगा और जो भी पॉइंट लगते हैं वो आप नोट कर लो। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, देखो माइनस कनेक्ट है अपने माइनस के साथ, इसे बोलते हैं सेम पोलारिटी। क्या बोलते हैं इसको? सेम पोलारिटी, है ना। तो इसमें अगर देखो ऐसा होता है तो ई नेट इसमें क्या होगा बच्चा लोग? ई बड़ा, याद करना, ई बड़ा माइनस ई छोटा, समझ में आया? ई बड़ा माइनस ई छोटा, क्लियर हुआ? अब मान लो देख लो यहाँ पे, मान लो मैं बोलूँ यहाँ पे ई वन जो है
ग्रेटर देन ई टू है ना। तो इसकी जो सर्किट बनेगी बच्चा लोग देखो, यहाँ बना देता हूँ मैं। तो मान लो अगर ई वन बड़ा है, ई वन की प्रॉपर्टी देखो ऐसे पूछे, पोलैरिटी ऐसे है ना, प्लस इस साइड है, प्लस इस साइड। तो इसका जो बनेगा नेट ई वन माइनस ई टू, उसकी भी पोलैरिटी ई वन जैसी है, जैसे ही ई वन की है वैसे ही इनकी जो बनेगी कॉम्बिनेशन करके वैसे ही सेम उसको देना है। समझ में आया? अगर मान लो इन केस अगर ये होता है ऐसे ई वन का, है ना, प्लस टू प्लस कनेक्टेड प्लस के साथ, तो इवन देखो ऐसे है, तो इसका आप करोगे तो ये आएगा कुछ ऐसे, इवन माइनस ई टू, ऐसे इसकी पोलैरिटी आएगी, नेट बैटरी। समझ में आई चीज़? है ना, आर वन आर टू तो वही रहेगा, आर बी क्या रहेगा, वही रहेगा। समझ आई चीज़? समझ नको आया, रिवाइंड कर लेना थोड़ा, तो बैक समझ में आ जाएगा, है ना। क्लियर हुआ? बोलो, हुआ क्लियर? अब बड़े आ गया, जो बात हो गई अपनी ई नेट की, अब करंट क्या होगा, देखो करंट क्या होता है। सो करता हूँ मैं इरेज अच्छे से देख लो। तो बच्चा लोग आसान है, कुछ है नहीं वैसे। करंट क्या होता है? देखो करंट होता क्या है, वी इक्वल टू आई आर, है ना। और यहाँ से मैं आई की बात करूँ तो आई अपना होता है वी बाई आर, वी बाई आर। वी अपना क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, आर अपना क्या है, आर नेट। तो यहाँ से देखो कि आर नेट कितना है, आर वन सीरीज में, आर टू सीरीज में, आर भी क्या है सीरीज में। जिसकी मैं अगर मैं बात करूँ आर नेट, ई वन प्लस ई टू अगर डिफरेंट क्वालिटी है तो ये हो जाएगा आर प्लस आर वन प्लस आर टू, ये हो गया आपका करंट। आया समझ में? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये हो गया आपका आई। तो आई इज इक्वल हो जाएगा ई वन प्लस ई टू डिवाइड बाई आर प्लस आर टू प्लस आर वन। समझ में आया? आया। अब यहाँ पे माइनस आएगा कब आएगा, जब क्या हो, जब क्या हो, क्या हो, सेम पोलैरिटी। क्या आएगा? सेम पोलैरिटी। लिख लेना अच्छे से, नोट कर लेना इन चीज़ों को, है ना, क्योंकि मैं बार बार सबको क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, तो लिख लेना अच्छे से। आते नेक्स्ट पेज में देखो फटाफट। तो हो चुका है क्लियर। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, लगा दिया टाइटल, चमक रहा एकदम टकाटक। अब यहां पे कर दे कुछ सर्किट ड्रॉ। बच्चा लोग जैसा जैसा हम समझे गए एनसीईआरटी में, वैसा पहले डिटो एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं आपको दूंगा शॉर्टकट कैसे आप होगा याद करना, है ना। तो फटाफट से इसको देखिएगा अच्छे से, तो सब समझ में आ जाएगा। देखो ये अपना ई वन है, ये अपना ई टू हो गया, यहाँ पे आर वन, यहाँ पे आर टू, ऐसी कुछ कहानी है जो आप डिस्प्ले के ऊपर आपको दिख रहा है एकदम अच्छे से, है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ से अपना करंट जो है बच्चा लोग आ रहा है आई, कितना आ रहा है आई, है ना। अब करंट क्या है, बटेगा, दो ब्रांच मिली ना, दो ब्रांच मिली तो करंट बटेगा। तो करंट बटा तो यहाँ पे देखो करंट जाएगा आई वन, और यहाँ पे बच्चा लोग देखो करंट जाएगा आई टू, है ना। बोलो क्लियर हुई चीज़ अच्छे से? क्लियर हुआ नहीं हुआ? करंट बटा है ना, इसमें क्या क्लियर नहीं हुआ? आई वन आई टू, बोलो। ये अब इस पॉइंट को देखो, मैं कुछ देता हूँ नाम, इसको तो ए पॉइंट, इसको और कोई और कलर से इसको लिखते हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी, है ना। करंट देखो धमाधम जा रहा है, ऐसा करंट हो रहा है, फिर यहाँ से आ जाएगा आई, फिर से आई वन, ये हो गया आई टू, है ना। तो सवाल क्या है, सवाल अपना ये है कि ई नेट क्या होगा और करंट कितना फ्लो होगा, ये अपना सवाल है ना। जैसे हमने सीरीज में करा वैसे इसमें करना है कि ई नेट क्या होगा और आई क्या होगा पूरी सर्किट में। अगर ऐसे मान लो सर्किट मिलती है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल में, तो इस तरह का कोई सवाल बनता है तो उसको कैसे हम आंसरिंग करेंगे, ये पूरा हम सीखेंगे ए वाले कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सीरीज का जो केस था उन्होंने ले लिया, अब बात करते हैं पैरेलल के बारे में। तो देखते जाओ बच्चा लोग कैसे क्या करना है। तो हो देखो यहाँ पे ये यह करंट जा रहा है ऐसे, है ना, करंट क्या जा रहा है, ऐसे जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। तो यहाँ पे इसका मैं देखूँ पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू, इनके बीच जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, इसका मैं बोल दूँ टर्मिनल वोल्टेज भी आप बोल सकते हो। वोल्टेज तो पहले दोनों का क्या होगा, दोनों बैटरी का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, पहली चीज़ तो सेम क्यों होगा, क्योंकि दोनों का सेम पैरेलल है। तो यहाँ पे अगर मैं वी वोल्ट की बात करूँ, देखना ध्यान से, मैं बताऊँ इरेज,
कोई और कलर लेना पड़ेगा क्योंकि हो रहा है मिक्स थोड़ा। ये मान लो वी वोल्ट बोलूँ तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, वी वोल्ट हो जाएगा। समझ आई चीज? ये भी वी है क्योंकि वी सेम होगा, क्यू होगा सेम, दोनों पैरेलल में है ना, और पैरेलल में क्या होता है, वी सेम होता है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चा लोग हमेशा सेम होगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल है। अब देखो यहाँ पे, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा अच्छे से, नीचे ही लिख लेता हूँ भाई, स्पेस बहुत ही कम है, देखते जाओ। तो यहाँ पे देखो V इज इक्वल टू, कलर थोड़ा और लेते हैं, V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए। मैं ऐसा लिखूँ या ना लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं लिखता ही नहीं हूँ, है ना, समझने के लिए। बुक में लिखा हुआ एनसीआरटी में, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरूरत नहीं है, वी होगा सेम ही होगा, है ना। चलो देख लो, तो इसका टर्मिनल वोल्टेज देखो ये कैसा है, चार्जिंग है डिस्चार्जिंग है, तो सोचो 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 सोचो, चार्जिंग है डिस्चार्जिंग है, सोचो। चलो बम बताता हूँ, देखो यहाँ पे देख लो देख लो देख लो, कितना हो गया ऐसे करंट, ये अपना सर्किट था बाहर वाला, ऐसे कोई आर हमने कनेक्ट करा था और इसको हमने बना दिया प्यार से बॉक्स में बंद, है ना। तो देखते जाओ ऐसे क्या है, तो करंट गया ऐसे, करंट गया ऐसे, यहाँ घुसा, है ना। मतलब ध्यान से क्या समझा रहा हूँ मैं, तो करंट देखो अगर करंट देखो यहाँ से गुजरा नेगेटिव से पॉजिटिव, कहाँ जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना, और पॉजिटिव से करंट निकलते हैं बाहर, तो बैटरी क्या होती है, पावर सप्लाई कर रही है एक्सटर्नल सर्किट को, तो बैटरी क्या होगी वहाँ पे, डिस्चार्ज। मतलब बैटरी में अगर करंट देख लो यहाँ पे, बैटरी में अगर करंट देख लो तुम लोग, नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है, तो बैटरी कैसी हो रही है, डिस्चार्ज। कैसी हो रही है बच्चा लोग, डिस्चार्ज, कैसी हो रही है, डिस्चार्ज। समझ आया, देखो तो बैटरी हो रही है डिस्चार्ज अपनी, तो वैसे ही क्या देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है पूरा ये, तो बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं बच्चा लोग इसका लिखूँ यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस मैं लिख लेता हूँ इसका अच्छे से, तो हो E1 माइनस I1 R1, और V हो जाएगा E2 माइनस I2 R2। कोनो चीज़ समझ में नहीं है आपको, समझ में आई, कुछ नया नहीं करा है बच्चा। यहाँ पर जो हमने करा है टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला अप्लाई करा है, क्या करा, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला अप्लाई करा है, जो हमने कल सीखा था, है ना। देखो यहाँ पर अच्छे से, तो देख लो दोनों क्या है, सेम है, क्या है दोनों सेम है, तो कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं। तो देखो यहाँ पे करंट, आप देखोगे करंट, अगर करंट का मैं डेरिवेशन करूँ बच्चा लोग, तो करंट क्या होता है, पहले तो करंट जो हमारा होता है I इज इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2, है ना। तो I1 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना, देखो कैसे, तो इसको भेजो इस साइड और इसको भेजो इस साइड, देखो I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस V, और सिंप्लीफाई करेंगे तो I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V1, सॉरी V डिवाइड बाई R1। वैसे ही बच्चा लोग इसमें आएगा I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V डिवाइड बाई R2। बोलो तुम्हें तो नक्को समझ आया, कुछ नहीं करा, सिंपल मैथ लगाई है, क्या करा, सिंपल मैथ। बोल समझ में आया, देख फिर यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसको कर रहा हूँ मैं ऊपर, तो यहाँ पे देख लो I1 अपना जो वैल्यूज हमें मिली है, पुट करो यहाँ पे, तो E1 माइनस V डिवाइड बाई R1 प्लस, डॉक्यूमेंट हो रहा है सेव, थोड़ा हैंग कर रहा है बीच में, E2 माइनस V डिवाइड बाई R। बोलो आया समझ में, नको नको, बस कुछ नहीं करा, I1 I2 की वैल्यू पुट करिए ना, हमें I हो गया, है ना। समझ आ रहा है हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बेटा V। V क्या है, सर्किट का जो है क्या है, पोटेंशियल है, E नॉट जिसको बोलेंगे प्यार से, E नॉट भी हमें निकालना है। देखो कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं यहाँ पे, जुगाड़ तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं LCM, E माइनस V इंटू R2 प्लस E2 माइनस V डिवाइड बाय, थोड़ा डेरिवेशन पार्ट थोड़ा स्पीड में देखना है ना, ताकि और टाइम बच जाए,
अब देख लो फटाफट इसको, थोड़ा इसको स्पीड कर लेना ना, देख लो फटाफट में करें तो इसको, तो यहाँ पे देखो ई वन आर टू माइनस आर टू वी प्लस ई टू आर वन माइनस वी आर वन, गड़बड़ी तो नहीं करी कुछ, यहाँ पे आर वन आएगा है ना, आर टू यहाँ पे आर वन यहाँ पे, तो हो ई वन आर टू ई टू आर वन, चलो सही है, ये अपना करो आर वन आर टू और ये अपना हो गया आई, समझ आया बोलो। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ गई सामने आई, इसको मैं करता हूँ थोड़ा इरेज करा, तो यहाँ पे आई इंटू आर वन आर टू इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे इसको कर लो कॉमन, करो साइड में इसको ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन माइनस आर वन प्लस आर टू, ये चीज़ है ना, तो देखो ध्यान से इस चीज़ को, तो हो यहाँ पे इसको लेके जाओ सामने, लेके जाओ इसको ऐसे, तो v इंटू आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन माइनस आई आर वन आर टू डिवाइड बाय डिवाइड बाय, ये चीज़ को लाओ नीचे है ना, इसको आप लाओगे नीचे तो हो जाएगा कुछ ऐसे, देखो ध्यान से, तो वी जी को लगा कॉमन जो पोटेंशियल मिलेगा मिलेगा ई वन, पोटेंशियल सर्किट का मिलेगा ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू माइनस आई आर वन आर टू डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू, है ना, बोलो चीज़ आई समझ में, नको आया, देख लो फिर से देख लो कुछ है नहीं, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, मैंने कुछ नहीं करा यहाँ पे, क्या करा एलसीएम लिया, एलसीएम लिया ये टर्म किया सामने ऐसा बना यहाँ पे, अब जो है ई वन आर टू, ई वन आर टू जो हमने क्या करा इसको क्या कर लिया एक साइड कर लिया, और वी तो यहाँ से क्या कर लिया कॉमन निकाल लिया है ना, तो कॉमन निकाल लिया इसको भेजा उस साइड, इसको भेजा इस साइड, तो यहाँ पे देखो आई वाला टर्म ऐसे यहाँ पे आ गया, अब ये जो आर वन प्लस आर टू मैंने डाल दिया नीचे तो ऐसा कुछ आया है ना, बुलाया समझना, तो यहाँ पे देखोगे ना ये इसको कंपेयर करोगे आप लोग तो वी जी को क्या आ रहा है ई माइनस आई आर, क्या आ रहा ई माइनस आई आर, समझ आ रही चीज़, तो ये जो आपका क्या है पूरा ई इक्विवेलेंट, क्या है ये ई इक्विवेलेंट चीज़ है ये, तो यहाँ पे ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला देखोगे आप, ई इक्विवेलेंट पर चलोगे आपका होगा ई वन आर टू माइनस सॉरी प्लस ई टू आर वन डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू, अगर कोई दो सेल पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका इक्विवेलेंट ई जो होगा वो इसके बराबर होगा, बोलो आया है ना, अब ये देखोगे आप ये क्या अपना आर ने तो आपको दिख रहा है दोनों पैरेलल में है ना, क्या है दोनों पैरेलल में, तो क्या है मल्टीप्लाई बाय सम, समझ में आया नको आया है ना, ये क्या है अपना आर नेट, बोलो आई चीज समझ में, अब सवाल होता है एक सर यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव कनेक्टेड है पॉजिटिव के साथ, अगर नेगेटिव हो तो कुछ नहीं लगा दो बीच में माइनस, क्या करोगे बीच में माइनस लगा दोगे, समझ पा रहे हो चीज़ को, बीच में क्या लगाओगे माइनस, है ना, चीज़ हुई क्लियर, तो ये हो गया आपका लेक्चर आज का, समझ आई चीज़ है ना, देख लो कैसे क्या ये अपना हो गया फॉर्मूला ई इक्विवेलेंट का, तो ये चीज़ वैसे ये जो है फॉर्मूला वॉर्मूला याद बाद में रखो, मैं आपको सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा किरचॉफ लॉ, तो वहाँ पे मैं अच्छे से बात करूंगा इस चीज़ों के बारे में कितना क्या इक्विवेलेंट ई होता है, वैसे इक्विवेलेंट ई जो सर्किट में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब मैं आपको सिखाऊंगा किरचॉफ लॉ, है ना, तो वैसे अगर याद करना है छोटे मोटे सवाल आते हैं तो इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, मैं याद करता हूँ इन फॉर्मूले को, कॉन्सेप्ट पकड़ो कैसे क्या होता है, वही चीज़ को पकड़ोगे तो फॉर्मूला कम याद करने पड़ेंगे ना, जो बेसिक फॉर्मूले होते हो तो याद करने ही पड़ेंगे आपको, लेकिन कितने फॉर्मूले याद करोगे आप, कितना मर जाओगे सब हम याद कर रहे थे, मैं बोलता हूँ ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना ताकि छोटे मोटे सवाल वन मार्क के सवाल आ जाए तो आप कर सकते हो, फटाफट आंसर आ जाएगा आपका, है ना, समझे चीज़ क्लियर हुआ, तो रखते हैं यहाँ तक इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक करना है और करना है चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।